गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट पोएम प्रेयर ऑफ द वुड्स करने जा रहे हैं। प्रेयर ऑफ द वुड्स, और इसका राइटर का नाम हमें नहीं पता, इसलिए इसके राइटर की जगह हम एनोनिमस मींस कि जिसके पोएट के बारे में हमें पता ना हो। तो प्रेयर ऑफ द वुड्स क्या है? ये वुड्स यहाँ पर यानी कि वृक्ष या जंगल क्या कर रहे हैं, हम इंसानों को प्रे कर रहे हैं कि हमें मत काटो या हमें नुकसान ना पहुंचाओ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्या कहा गया है इस पोएम में। आई एम द हीट ऑफ योर हर्थ ऑन कोल्ड विंटर नाइट्स। पेड़ क्या कह रहे हैं? हीट मतलब गर्मी। मैं क्या करता हूँ? मैं गर्मी हूँ। योर हर्थ, हर्थ का मतलब होता है जैसे हम चूल्हा जलाते थे पुराने जमाने में, आज भी बहुत से घरों में चूल्हा जलाया जाता है। लकड़ियाँ जलाई जाती हैं और उसके द्वारा ही गर्मी आती है। तो चूल्हे में, पेड़ क्या कह रहे हैं कि चूल्हे में जलाई गई लकड़ियों से मैं सर्दी की ठंडी रातों में तुम्हें गर्मी प्रदान करता हूँ। द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। समर सन मतलब बहुत कड़कती हुई धूप में फ्रेंडली शेड मतलब पेड़ों की छाया क्या करती है? स्क्रीनिंग यू, स्क्रीनिंग मतलब बचाती है, दूर रखती है। तो गर्मी की तेज कड़कती धूप से पेड़ों की ठंडी छाया तुम्हें बचाती है, ठंडक प्रदान करती है। एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रेशिंग ड्रॉट्स क्वेंचिंग योर थर्स्ट एज यू जर्नी ऑन। जर्नी ऑन मीन्स कि जब हम यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उस समय मेरे फ्रूट्स, मेरे रसदार फल क्या करते हैं? अपने फलों के रस से क्वेंचिंग योर थर्स्ट, क्वेंचिंग मतलब संतुष्ट करना, तुम्हारी प्यास को बुझाते हैं या संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जब तुम गर्मियों के दिनों में यात्रा करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो मेरे ही फलों से के मीठे रस तुम्हारी प्यास को बुझाते हैं, संतुष्ट करते हैं। आई एम द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस। बीम क्या होता है? घर की जब छत बनाई जाती है तो छतों को सहारा देने के लिए वृक्षों की लकड़ी से बीम बनाए जाते हैं। तो इसलिए पेड़ कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घरों की छत को सहारा देने वाला बीम हूँ। द बोर्ड ऑफ योर टेबल, तुम्हारे जितने भी टेबल हैं, मेज हैं, मेरे ही बोर्ड से बने हुए हैं। द बेड ऑन विच यू लाई, और वे सारे बेड जिन पर आप आराम करते हैं वे भी मेरी ही लकड़ी से बने हुए हैं। एंड द टिम्बर दैट बिल्ट योर बोट, और साथ ही वो सारी बोट्स, नौकाएं, वो भी सारी मेरी ही लकड़ी से बनी हुई हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य की जिंदगी में सारी चीजें वृक्षों के द्वारा ही दी गई लकड़ी से बनती हैं। नेक्स्ट है, आई एम द हैंडल ऑफ योर हो। हो कहते हैं फावड़ा, मतलब जैसे पंजाबी में हम कहते हैं ना कस्सी, तो उससे जिससे हम जमीन खोदते हैं। तो वो कहता है कि फावड़े का हैंडल भी मेरी ही लकड़ी से बना हुआ है। द डोर ऑफ योर होमस्टेड, तुम्हारे घर के दरवाजा, जितने भी दरवाजे बने हुए हैं वे भी लकड़ी से ही बने हुए हैं। द वुड ऑफ योर क्रैडल, क्रैडल का मतलब होता है झूला। बचपन में जब झूला झुलाते हैं बच्चों को, वो झूला भी लकड़ी से ही बनता है। द शेल ऑफ योर कफिन, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर
जो कफन का कवच है वो भी लकड़ी का ही बना हुआ होता है। आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड फ्लावर ऑफ ब्यूटी। पेड़ हमें क्या सिखाते हैं? दयालुता का पाठ सिखाते हैं, सुंदरता का पाठ सिखाते हैं, क्योंकि पेड़ों की सुंदरता और फूलों की सुंदरता देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। इसी तरह से पेड़ पौधे मनुष्य के लिए जो कुछ भी वस्तुएं प्रदान करते हैं, इससे हम दयालुता का पाठ सीखते हैं। यी हु पास बाय, यी मतलब यू तुम, हु पास बाय जो मेरे पास से गुजर कर जा रहे हो। मनुष्य को विनती की गई है इसमें, तुम मेरे पास से गुजर कर जा रहे हो। लिसन टू माई प्रेयर, मेरी प्रार्थना को ध्यान से सुनो। हार्म मी नॉट, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, मुझे नुकसान ना पहुंचाए। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे यानी कि वृक्ष मनुष्यों से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें बिना मकसद के नुकसान ना पहुंचाया जाए, क्योंकि मनुष्य की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं।